दास डीजे साउंड सर्विस जनूथर से बेटा लक्ष्मण चरणों में, दूसरी आहुति पता नहीं गायक मन मोहने के लिए क्या क्या जादू फैलाते हैं, लेकिन मेरी तो एक ही आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि भीख है शांति की, प्रेम के दो घूंट पीने दो और जिंदगी है चार दिन की, जियो और आइए सजनों, आप जैसे विद्वानों की तरफ से कुछ संदेश और मरहम मिलता है जिंदगी के मार्गदर्शन के लिए। ताऊ जी कहते हैं इनका किसी भी शुभ काम को करने से पहले उस प्यारे प्रभु का स्मरण, स्तुति, वंदना, गुजारिश करना जरूरी है। लेकिन ये प्राणी भ्रम में फंस गया और कहता है उस परमात्मा से, कहता है ये प्राणी गौर करना कैसे, कहता है पर्व। कहते ही ना सीधा सा अर्थ है, बहुत सूक्ष्म, होली सो होली संदेश देती है, होली सो होली अब धूप डालो, है कि नहीं। आइए साखी बेटा लक्ष्मण
कमेटी ने अच्छे नेम रखे हैं लेकिन गाने वाले हड़बड़ा रहे हैं। जा चीज को जो हिलो वह होगा वही में अच्छा चले। कोई बात नहीं, लेकिन कमेटी के नेम तो हैं, लेकिन कुछ कमेटी और जनता के बीच में गाने वालों के भी कुछ नेम और असूल सिद्धांत होते हैं। आइए पहले शुरुआत होगी गाये से बेटा। कैसे गाये का मतलब है, मैं आपको क्या सुनाना चाह रहा हूं। कैसे भैया? और साखी का मतलब है किसी भी इष्ट देवी देवता की पूजा याचना उसे याद करना। गाहे में क्या हो रहा है भैया? ए जी पहले गुरु बनाय ध्यान चरणन में ला। शिकार सरयू नदी के किनारे खेलनी चाहिए। हाजी तब वो राजा दशरथ धनुष्वाण लेकर के सरयू नदी के किनारे शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। लेकिन इधर में वो आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिताओं की कावर लेकर के उन्हें भ्रमण कराता हुआ उसी नदी के किनारे ठहरा हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिताओं को प्यास लगने लगी और बेटा लक्ष्मण किस तरीके से वो श्रवण कुमार के माता पिता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? Oh,
के माता पिता कहने लगे, बेटा हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है, आप कहीं से जल लेकर के आइए। तो श्रोताओ, नौजवानों को एक प्रेरणा मिलती है, एक सबक मिलता है, एक संदेश मिलता है। जो आज्ञाकारी संतान होती है, जो आज्ञाकारी बेटे होते हैं, उनका माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या निष्ठा होती है, क्या भावना होती है। लेकिन भैया श्रवण कुमार ने इतना सुना और क्या करने लगा, करके मानी लियो बाण। वो राजा दशरथ तैयारी करने लगे, बाण को तैयार करते हैं, लेकिन जिकड़ी की नई बात जो गायकों के पास अधिकतर नहीं मिलेगी। बेटा कैसे, बाण चलाई
दशरथ सप्तमेदी बाण छोड़ते ही बाण लगते ही माता पिता की आवाज बोल करके वो जमीन पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा इधर में। पर राजा दशरथ सोचते हैं कि मेरे हाथों से कोई इंसान मारा गया, लेकिन भैया ढोला के माध्यम से इनके यहाँ तो पतो ना राजस्थानी ने लंगड़ो और सूजतो कहा के, हमारे यहाँ तो मीठा ढोला कहते हैं, पंजाबी ढोला। कैसे बेटा? जब इस तरीके से वो राजा दशरथ कहने लगे तो बड़ी कराहट की आवाज में वो श्रवण कुमार कहने लगा, मेरे बाण मानने वाले आप कौन हैं? सज्जनों, बड़ा जटिल, बड़ा विचार का विषय है। वो राजा दशरथ कहने लगे, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। इतना सुना, बड़ी पीड़ा, बड़े कष्ट के साथ वो श्रवण कुमार अपने हृदय के उद्गार पेश करता है और किस तरीके से क्या कहने लगा। संचालक जी का इशारा आ रहा है, लेकिन
लेकिन बात भी बहुत करंट की है। किस तरीके से वो श्रवण कुमार कह रहा है, शर्मा जी मां बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है वो बड़े भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली होते, लेकिन संतान का फर्ज और कर्तव्य क्या बनता है? क्या कहता है बेटा लक्ष्मण?